पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना महामारी की भयंकर त्रासदी के बीच आज देश और दुनिया भर में सातवां योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में मनाए जा रहे इंटरनेशनल योग दिवस 2021 की अद्भुत तस्वीरें और फोटो सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा है कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे ये ही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इसी कड़ी में लाइन पार स्थित SDM इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भाजपा और पतंजलि के संयुक्त तत्वावधान में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा रहे और योग शिक्षिका प्रीति कश्यप रही। विभिन्न प्रकार के योगासन कराए गए और शरीर को निरोगी रखने का संदेश दिया गया, तो वहीं आए अतिथियों का स्वागत सम्मान भी कराया गया। इस अवसर पर कहा गया कि योग ही है जिसने मनुष्य को कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाया है और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाली तीसरी लहर से भी आसानी से लड़ा जा सकता है। मेरे महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिसोदिया जी, इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजीव चौहान जी, यहाँ पर नगर निगम में कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी और मेरे पिता तुल्य और मेरे मार्गदर्शक और मुझे राजनीति की दिशा और दशा को सिखाने वाले ऐसे मेरे गुरु आदरणीय देवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर पाठक जी और सभी यहाँ पर मेरी बहनें और योग शिक्षक, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। और मेरा सभी से निवेदन है कि रोज इसको योग करें, मैं भी नहीं करता हूं, लेकिन मेरा सभी से यह निवेदन है कि अगर हम इसे कोरोना को हमें मात देनी है, कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए योग करना नित्य प्रति बहुत जरूरी है। शरीर में जो हमें इम्यूनिटी पावर है, अगर उसको बढ़ाए रखना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखने के लिए योग नित्य प्रति रोज करें, रोज व्यायाम करें, तो आप इस अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व में महामारी की तरह फैला हुआ कोरोना है उसे मुक्ति दे सकते हैं। सभी को मेरे सभी भाई बहनों को मेरी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। इकट्ठा किए, योग दिवस मनाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम पूरे साल यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में योग कराते हैं और सब लोग किया, सब लोगों को फोन किया, बुलाया और रोज की भांति आज भी कुछ स्पेशल किया योग दिवस का। क्या मैसेज देने का प्रयास किया आज, क्योंकि योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, कोरोना काल में योग दिवस को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है, इसलिए योगी बनिए, उपयोगी बनिए और योग जरूर कीजिए। आज क्या था? आज योगा दिवस था, इसलिए हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस योग के कुछ नाम बताते हैं, कपालभाति और यो-यो और तीसरी लहर के लिए योगा करना चाहिए। तीसरी लहर से बचना है तो योगा करना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।